नमस्कार दोस्तों, सर्वे की चर्चा आजकल आम बात हो गई है। रोज हर व्यक्ति सर्वे से जुड़ी बातें कर रहा है। कुछ लोग कागज जुटाने में परेशान हैं, तो कुछ लोग सर्वे का फॉर्म भरने में। आज का वीडियो इन सभी समस्याओं से दूर करने वाला है। जमीन के कागज के लिए आप विभाग से संपर्क कर कागज पा सकते हैं, लेकिन कागज जुटाने के बाद लोगों को फॉर्म भरने में कई सारी परेशानी हो रही है। फॉर्म कैसे भरना है और इसकी वंशावली कैसे बनाना है, इसका वीडियो मैंने पहले से ही बना दिया है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर फॉर्म भरने के तरीका को जान सकते हैं। आपको फॉर्म भरने के बाद ब्लॉक की लंबी लाइन में नहीं लगना है। फॉर्म को आप ऑनलाइन माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। तो चलिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस बता रहा हूँ। इससे आपको ब्लॉक की लंबी लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपका टाइम भी बचेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। आपको कोई भी इसके लिए फ़ी नहीं जमा करना है। सबसे पहले आपको बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in के वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप चाहे तो क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। डैशबोर्ड के राइट साइड में आपको एक लिंक दिखाई देगा जिस पर लिखा है सर्वे वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप सर्वे की वेबसाइट पर चले जाएंगे। सर्वे का वेबसाइट ओपन हो गया है। आपको यहाँ पर स्वघोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ डाउनलोड करें। इस लिंक पर क्लिक करके आप प्रपत्र 2 को डाउनलोड कर सकते हैं। वंशावली हेतु प्रपत्र 3 यहाँ डाउनलोड करें और इस लिंक पर क्लिक करके आप वंशावली का फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। स्वघोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ से समर्पित करें। इस लिंक पर क्लिक करके आपको सर्वे का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा वंशावली हेतु प्रपत्र 2 और 3-1। सर्वे का मेन 2 ही फॉर्म है, फॉर्म 2 और फॉर्म 3-1। सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम यहाँ लिखना होगा। स्टेट में बिहार पहले सेलेक्ट हुआ रहेगा क्योंकि ये बिहार का सर्वे है, इसलिए बिहार का नाम पहले से आएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा। नीचे में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर दे देंगे। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ फिल करना होगा और यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद आपको वेरीफाई मोबाइल वाले बटन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ डालकर वेरीफाई का प्रोसेस पूरा करेंगे। मैंने यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई कर लिया है। अब हम लोग आगे के फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका ज़मीन है। उसके बाद आपको सर्कल को सेलेक्ट करना होगा। सर्कल का मतलब होता है ब्लॉक। जिस ब्लॉक में आपका जमीन है उसके नाम को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर अपने गांव का नेम को सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप अपने गांव का नेम को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ये ऑप्शन अपने आप फिल हो जाएगा। नीचे में आपको अपने जमीन का खाता नंबर फिल करना होगा। यहाँ पर प्लॉट नंबर को फिल कर देंगे और यहाँ पर रैयत के नाम को फिल कर देंगे। इन तीनों फील्ड को भरने के बाद आपको ऐड मोर होल्डर्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, इन तीनों का डिटेल्स नीचे फिल हो जाएगा। इस तरह आपको अपने खाता के सभी प्लॉट्स का डिटेल्स बारी बारी से फिल करना होगा। डेटा फिल करने के बाद ऐड मोर होल्डर्स पर क्लिक करेंगे और सभी डिटेल्स आपका यहाँ टेबुलर फॉर्मेट में शो हो जाएगा। सभी खाता प्लॉट्स के डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे में आपको प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3-1 के फॉर्म को स्कैन करके अपलोड करना होगा और साथ में आपकी जमीन के सभी पेपर्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा। ध्यान रहे, आप जो फाइल बनाएंगे वो पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए और वो मैक्सिमम 3 MB का ही होना चाहिए। इसका मतलब है जो पीडीएफ साइज होगा वो 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चूज वाले बटन पर क्लिक करके आप अपने पीडीएफ फॉर्म को यहाँ अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। सेव वाले बटन पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इस तरह आप सर्वे का फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। सर्वे का फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक इस तरह का रिसिप्ट मिलेगा। यहाँ पर रेफरेंस आईडी लिखा रहेगा, नीचे में डेट लिखा रहेगा जिस डेट को आपने फॉर्म को अप्लाई किया है और उसके बाद नीचे में आपका नाम लिखा रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह आप सर्वे का ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस रिसिप्ट को आपको ब्लॉक में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस रिसिपिंग को आपको सुरक्षित रखना होगा, भविष्य में आपका काम आ सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म 2 और 3-1 कैसे भरना है। दोस्तों, ये है प्रपत्र 2 यानी फॉर्म 2 है। सबसे पहले आपको राजस्व ग्राम यानी आपको अपने गांव का नाम फिल करना होगा जहां आपका जमीन है। उसके बाद आपको थाना नंबर फिल करना होगा और ये हल्का नंबर आपको शायद पता ना हो तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ तो बिहार भूमि पोर्टल की वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा खाता देखें। वहाँ से आप क्लिक करके कुछ डिटेल्स फिल करके अपने हल्का नंबर को जान सकते हैं। उसके बाद आपको पुलिस थाना का नाम लिखना है, यहाँ पंचायत का नाम और यहाँ पर जिला का नाम लिखना होगा। रैयत का नाम, सहसदारी का नाम एवं अंश। अगर आपके खतियान में 5 लोगों का नाम है, आपको उन सभी 5 लोगों का नाम यहाँ दर्ज करना होगा और उनके पिता का नाम भी दर्ज करना होगा। स्थायी पता में परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपके रैयत में कई सारे लोग हैं तो सभी लोगों का स्थायी पता अगर सेम होगा तो एक भर सकते हैं। अगर सबका अलग अलग है तो आपको सबका अलग अलग स्थायी पता भरना होगा। उसके बाद आपको खाता नंबर फिल करना है और यहाँ पे खेसरा नंबर फिल करना है जिसे हम लोग प्लॉट नंबर भी कहते हैं। एक खाता में कई खेसरा हो सकते हैं। सभी खेसरा का डिटेल जो है आपको बारी बारी से फिल करना होगा। उस खेसरा का कितना रकबा है, एरिया है, आपको एकड़ में दर्शाना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपका जमीन जो है 1 एकड़ 5 डिसमिल है तो आपको यहाँ पे 1 लिखना होगा, डैश और फिर 5 लिखना होगा।
उसके बाद उस प्लॉट का चौहद्दी लिखना होगा। ध्यान है ये यहाँ पे स्पेस कम है, तब वो छोटा छोटा लिखना होगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों चौहद्दी का नाम यहाँ मेंशन करना होगा। यहाँ पर आपको जमीन का टाइप बताना होगा कि वो जमीन किस टाइप का है। अगर उस जमीन पर आप खेती करते हैं जिसपे दो फसल लगाते हैं तो उसको आप धरना लिखेंगे। अगर वो जमीन परती है तो परती लिखेंगे। अगर उस जमीन पर कोई भी खेती काम नहीं होता है, बंजर है, तो यहाँ बंजर लिख देंगे। अगर उस जमीन पर मकान है तो मकान लिख देंगे। शेष को छोड़कर लगान, इसमें आपको लगान भरना होगा। इसका डिटेल जो है आपके रसीद में मिलेगा। ध्यान है सबसे ऊपर में लिखा आता है लगान और नीचे में शेष लिखा आता है और उसके बाद टोटल अमाउंट होता है। तो आपको सिर्फ लगान का जो अमाउंट है उसको यहाँ भरना होगा। जमाबंदी संख्या आपके ऑनलाइन रसीद में मेंशन रहता है, वहां से आप उस डिटेल को निकाल के यहाँ भर सकते हैं। भूमि पर दावा का अधिकार यथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त और अन्य। अगर आपका जमीन आपके पूर्वजों द्वारा मिला गया है तो आप उत्तराधिकार लिख सकते हैं या बंटवारा लिख सकते हैं। अगर वो जमीन आपको किसी दान के माध्यम से मिला है तो दान लिखेंगे। अगर वो जमीन आपने खरीदा है, कबाला है, आप क्रय लिखेंगे। अगर वो जमीन आपको बंदोबस्त से मिला है तो आपको बंदोबस्त लिखना होगा। अभियुक्ति अगर कोई हो, अगर उस जमीन पर कोई विवाद है तो आप यहाँ लिख सकते हैं विवादित। अगर जमीन पर कोई केस चल रहा है जैसे बंटवारे का केस चल रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाइटल, केस नंबर और उस केस का संख्या आपको मेंशन करना होगा। हो सके आपके फॉर्म में आपके जमीन का पूरा विवरण नहीं भरा जा रहा हो तो आप ऐसा ही फॉर्म दोबारा लेके सेम डिटेल्स ऊपर फिल करेंगे और बाकी का शेष जमीन का डिटेल्स जो है दोबारा आपको फिल करना होगा। नीचे में आपको अपने गाँव का नाम लिखना है, यहाँ पर तिथि लिखना होगा जिस तिथि का फॉर्म को फिल कर रहे हैं। रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, यहाँ पर रैयत को हस्ताक्षर करना होगा। अगर वो हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो अंगूठे का निशान लगाएंगे। नीचे में मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर अपना आधार संख्या लिख देंगे। इस तरह आप पपत्र 2 फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बंसावली के फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों ये है पपत्र 3-1, जिसे फॉर्म 3-1 भी बोलते हैं। ये बंसावली का फॉर्म है। इसमें आपको अंचल का नाम लिखना होगा, जिस अंचल में आपका जमीन है वहाँ आपका अंचल का नाम लिखना होगा और यहाँ पर जिला का नाम लिखना होगा। यहाँ पर रैयत का नाम लिखना होगा जिसके नाम से जमीन है और यहाँ पर उनके पिता का नाम। अगर रैयत 1 से ज्यादा है तो यहाँ पे उन लोगों का नाम भरना होगा। अगर 3 से ज्यादा रैयत होंगे तो आप 3 लोगों का डिटेल्स भर देंगे, बाकी जो डिटेल जो है बंसावली में दर्शा सकते हैं। उसके बाद आपको अपने गांव का नाम लिखना होगा, थाना का नाम लिखेंगे, अंचल का नाम, जिला और अपने जाति का नाम यहाँ लिखना होगा। यहाँ पर आपको अपने जमीन के पत्र को भरना होगा। सबसे पहले उस ग्राम का नाम लिखेंगे जिस ग्राम में आपका जमीन है। अंचल का नाम लिखना होगा। जमाबंदी क्रमांक संख्या, ये जो संख्या है ये आपको रसीद से मिल जाएगा, उस रसीद में मेंशन रहता है। अगर आपने ऑनलाइन रसीद कटाया है उस रसीद में आपको जमाबंदी क्रमांक संख्या मेंशन रहता है, वहां से आप देख के भर सकते हैं। यहाँ पर खाता संख्या लिखना है और यहाँ पर प्लॉट संख्या और उसका यहाँ रकबा दर्शाना होगा। अगर आपके पास कई खसरा संख्या है जिसे आप यहाँ नहीं भर सकते हैं तो आप यहाँ पे 2 या 3 का डिटेल्स भरेंगे और बाकी का जो खसरा संख्या है वो आपको दूसरे फॉर्म में भरने को मिलेगा, उसमें आप अपने जमीन का सारे डिटेल्स भर सकते हैं। इसमें आपको लगान भरना होगा। नीचे में आप अपना यहाँ साइन कर देंगे। इस तरह आपको बंसावली का पपत्र 3-1 का फॉर्म भरना है। सबमिट किए गए सर्वे के फॉर्म के स्टेटस को चेक करने के लिए आपको सर्वे के वेबसाइट पर अपलोड किए गए स्वघोषणा बंसावली यहाँ देखे वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप अपने फॉर्म के रेफरेंस आईडी को फिल करेंगे और उसके बाद सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। सर्च वाले बटन पे क्लिक करते ही आप अपने फॉर्म के स्टेटस को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपको सर्वे के ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। मुझे पूरा उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी आपको फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी होती है तो आप अपनी बात को कमेंट में रख सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है वहां से जुड़ के अपनी बात को रख सकते हैं। उसके बाद मैं आपकी मदद करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सर्वे के ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने में हेल्प मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।